थैंक यू। हेलो माय डियर लवली हैप्पीनेस फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस लव टाइम एंड रिस्पेक्ट। फ्रेंड्स, आई हर्टली वैल्यू लॉट योर ब्लेसिंग्स, आई हर्टली वैल्यू लॉट योर ऑल काइंड ऑफ प्रेयर्स दैट यू ऑलवेज शावर ऑन माय हैप्पी यूनिवर्स। यू नो वेरी वेल, हैप्पी यूनिवर्स इज अ चैनल ऑफ सर्विंग द हैप्पीनेस। व्हेन वी जस्ट रियली हैप्पी विद इन अवर सेल्फ, वी रिफ्लेक्ट द रियल हैप्पीनेस। योर वन वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस विल गो टू द यूनिवर्स, इट विल कम बैक टू यू फर्स्ट एंड यू विल रिफ्लेक्ट ऑन अदर्स इन द फॉर्म ऑफ योर हैप्पीनेस। So friends, stay happy and stay blessed with my happy universe. Thank you so much to the special ones who have subscribed their happiness with us. Stay blessed ever. So friends, let's know what we have discussed till now. We have discussed with the thank you God for all the blessings for my happiness family and for all the upcoming ones. Next friends, we have discussed with the all aspects of the health, our body, mind, spirit, mind, who we all are. We all are spirits. Our spirit mission has completed. After that, law of love above all what means love. Above love, main hoon. And above me, kya hai? Meri khushi. मेरी खुशी तो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारक दे दूं आज के सुंदर दिन की। हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल, गॉड गिव यू ऑल लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आपको कुछ बता दें कि आज करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। भाई, करवा चौथ मनाया जाता है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। और फ्रेंड्स, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, अगर हम हैप्पीनेस वाइब्रेशन पे आ जाएं तो आप बड़े अच्छे से हर टाइम हर काम में सौभाग्य की प्राप्ति पाएंगे। वो हम बताएंगे आपको अपनी अगली सीरीज में। तब तक के लिए आपको बने रहना है। और आज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो करवा चौथ है वो मनाया जा रहा है कार्तिक मास की चतुर्थी में, 4 नवंबर 2020। ये मोस्टली अक्टूबर में आता रहा है, लेकिन इस बार ये नवंबर में आया है। और इस व्रत को सुहागने मनाती हैं। और इस व्रत के दिन जितनी भी औरतें हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं, सुबह 4 बजे उठकर सरगी खाती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर भी फास्टिंग रखते हैं। भाई, स्पिरिचुअल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हमें वीकली एक न एक फास्ट तो जरूर रखना चाहिए। जब भी हम फास्टिंग करते हैं हम हमेशा ही फोकस्ड होते हैं, हम अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, हम एक जगह केंद्रित हो पाते हैं, हम कंसंट्रेटिव बन पाते हैं और मोर ओवर हम ब्लेस्ड फील करते हैं। सच में ही फास्टिंग जरूरी है? ये हम सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं, लेकिन साइंस भी कहती है कि हमें हफ्ते में एक फास्ट तो जरूर रखना चाहिए एज ए थैंक्स गिविंग फॉर द बॉडी माइंड स्पिरिट। बॉडी के लिए तो थैंक यू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आज मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगी। मैंने कुछ आपके लिए डेकोरेशन भी की है और मैंने आपके लिए एक प्लेट भी तैयार करके रखी है। और क्यों रखी है वो मैं आपको आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाली हूँ कि आप कुछ चीजों को अगर अपने आप फास्ट रखती हैं या रखने वाली हैं और आपने इन सब चीजों को खाया भी है तो इन सबके न्यूट्रिएंट्स आपको क्या मिलेंगे। क्योंकि मोस्टली ये जो व्रत होता है ये निर्जला व्रत रखा जाता है, पानी नहीं पिया जाता। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अच्छे से खा सके। तो माय हैप्पी यूनिवर्स ने भी सोचा कि आपके लिए हम कुछ ना कुछ जरूर स्पेशल ऐसा करें जिसे हम आपको बता सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको उस मट्टी को कैसे बनाना है। इसकी मैं आपको एक दिन लाइव भी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हमने ऐसे ही इसको तैयार किया है तो मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देखिए, ये है मट्टी मीठी, आप जानते ही होंगे अगर आपने खाई होगी। ये है मेरे पास एप्पल, ठीक है, ये है मेरे पास बनाना, और ये है फ्रेंड्स थोड़ी सी सरगी, जो आप अगर खाते हो तो आप खा सकते हैं और इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये जो बनाना है ये फुल विटामिन से हमारे लिए रिच होता है, बहुत ज्यादा इसमें पोटेशियम होता है और मोर ओवर फ्रेंड्स ये हमारे पेट को पूरा दिन फिलअप करके रखता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कम नहीं होने देता और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये कई बार मॉर्निंग में कुछ लोग जो उठते हैं उनका खाने का मन नहीं करता, तो प्लीज आप ऐसे मील्स को स्किप ना करें। पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं साइंस के, तो फ्रेंड्स हमें अपनी हेल्थ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स हमेशा ही देने चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज जब बॉडी में जब भी इकट्ठा होता है तो वो यूज होता है फास्टिंग स्टेज पे, ठीक है। अब आपको बता दूं हमारे एप्पल में तो बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और जो हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कितनी सारी जो चीजें हैं, और मैदा से फ्रेंड्स क्या होता है, ये हैवी होता है, इसके अंदर शुगर है क्योंकि हमने इसको शुगर सिरप में तैयार किया है।
तो शुगर सिरप में फ्रेंड्स क्या होता है कि शुगर तो हमें ऑलरेडी पूरे दिन फास्ट में चाहिए, चांद ना जाने कब निकलेगा, तो तब तक ये जितना कुछ भी आप मॉर्निंग में उठकर अगर खा लेते हैं, और स्पेशली अगर आप फ्रूट्स खा लेते हैं, बनानास खा लेते हैं, अच्छी शुगर वाले कोई चीज खा लेते हैं, तो फ्रेंड्स पूरा दिन जो है वो आपकी बॉडी जो है उस ग्लूकोज को यूज करेगी, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और एक और बात, प्लीज आप जरूर पानी पीजिए। पानी कितना पीना है आपको? पानी पीना है आपको गर्म गिलास, और कम से कम 2 ग्लास तो आप पानी के जरूर पीजिए, या 2 कप ऑफ वाटर अपने अकॉर्डिंग, जिसमें भी आपको पीना पसंद है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक करवा भी रखा जाता है, जो मैंने नहीं रखा, जो मोस्टली सुहागन औरतें होती हैं वो रखती हैं, और वो उस तरह से अपने व्रत को जो है वो उपवास को खोलती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहा कुछ करवा चौथ स्पेशल हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए फ्रॉम द बिहाफ ऑफ माय हैप्पी यूनिवर्स। और उससे भी बड़ी बात मैंने कुछ और भी आपके लिए किया है, बताती हूँ क्या किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ डेकोरेशन की है, और मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस माई हैप्पी यूनिवर्स अबव मी। वट क्या है जो कि मैंने आपको बताया? अबव मी माई हैप्पीनेस, हमारी खुशी ही हमसे बढ़कर है। हम जो भी काम करते हैं, हम दुनिया में चाहे किसी को टाइम देते हैं, दुनिया में चाहे हम किसी की हेल्प करते हैं, चाहे हम अपनी खुशी के लिए कोई काम करते हैं, चाहे हम अपनी खुशी के लिए फास्ट रखते हैं, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, अगर वो काम हमें अंदर से अंदरूनी खुशी, अंदरूनी आनंद देता है, वही हमारी हैप्पीनेस है। आप अपने आसपास और अपने आप को बहुत सी चीजों में देख सकते हैं। आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं, आप किसी पर्सन को, किसी भूखे को अपने घर पे खाना भी खिला देते हैं, तो वो भी चीज आपको एक खुशी देती है। हर खुशी, हर वो चीज, वो आपकी लाइफ को, क्यों हमें खुशी को मेंटेन करना जरूरी है? क्योंकि जो हैप्पीनेस है, इट मल्टीप्लाइज द ब्लेसिंग्स व्हेन यू विल बी वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर क्रिएटर इन योर स्पिरिट। हम जब स्पिरिट में होकर खुशी में होंगे, आनंद में होंगे, मगन होंगे, तो हम रियली में ही हैप्पीनेस वाइब्रेशन के मोड में रहेंगे। और हैप्पीनेस आखिरकार मेंटेन करना जरूरी क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम हैप्पीनेस को मेंटेन करना सीख जाएंगे, तो हमारी लाइफ में आ जाएगी स्टेबिलिटी। आखिर स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? स्टेबिलिटी का हमारी लाइफ में रोल क्या? हम हर एस्पेक्ट पे, बहुत डीप लेवल पे जाकर बात करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। कल की स्पेशल हेल्थ और हमारी इवनिंग और हमारी मॉर्निंग स्टडी वीडियो के लिए आप जरूर बने रहिए। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। आई लव यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ विद माय हैप्पी यूनिवर्स शालिनी वन। आई लव यू, स्टे ब्लेस्ड विद माय हैप्पी यूनिवर्स। बाय बाय, टेक केयर।